अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जिनको सर्दियाँ शुरू होते ही एड़ियों की प्रॉब्लम होती है, एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। तो ये रेमेडी इस्तेमाल करने से आपका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके पाँव नरम और मुलायम हो जाएंगे। घर की चंद चीजों से हम ये रेमेडी तैयार करेंगे जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। एक दरमियाने साइज का प्याज लेकर इसके छिलके उतार लेंगे। प्याज को हमने छील लिया है, अब एक ग्रेटर की मदद से प्याज को हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। प्याज को हमने ग्रेट कर लिया है, अब एक छलनी की मदद से इसका जूस निकाल लेंगे। प्याज का जूस हमने निकाल लिया है, अब इसमें शामिल करेंगे एक टेबलस्पून चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसमें शामिल करेंगे हाफ लेमन का जूस और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पेस्ट। आप इसमें कोई सा भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो लीजिए हमारी होममेड हर्बल क्रीम तैयार है। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। आपने इस क्रीम को रोजाना रात को अपने पाँव के ऊपर इसका मसाज करना है और सुबह उठकर पाँव धो लेने हैं। अगर आपकी एड़ियाँ ज्यादा फटी हुई हैं तो आपने इसको एक हफ्ता लगातार इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप एक दिन छोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 1-2 दफा इस्तेमाल करने से इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर आपको हमारी ये रेमेडी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।